इंडोनेशिया कभी हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन इस्लामिक उत्थान के बाद यह राष्ट्र आज मुस्लिम राष्ट्र है। शोधकर्ताओं का मानना है कि जहां आज इंडोनेशियन इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, वहां कभी हिंदू मंदिर हुआ करता था, जिसमें भगवान शिव और गणेश जी की पूजा की जाती थी। यहां से एक ऐतिहासिक शिवलिंग भी मिला है। इंडोनेशिया के एक द्वीप है बाली, जो हिंदू बहुल क्षेत्र है। यहाँ के हिंदुओं ने अपने धर्म और संस्कृति को नहीं छोड़ा था। बाली में एक इमारत के निर्माण की खुदाई के दौरान मजदूरों को मंदिर के कुछ अंश मिले, जिसके बाद ये खबर बाली के ऐतिहासिक संरक्षण विभाग को दी गई, जिसने खुदाई करने पर एक विशाल हिंदू इमारत को पाया, जो कभी हिंदू धर्म का केंद्र था। ये विशालकाय मंदिर आज बाली द्वीप की पहचान बन गया है। इंडोनेशिया के द्वीप बाली द्वीप पर हिंदुओं के कई प्राचीन मंदिर हैं, जहां एक गुफा मंदिर भी है। 19 अक्टूबर 1995 को इसे विश्व धरोहरों में शामिल किया गया। यह गुफा भगवान शंकर को समर्पित है। यहाँ 3 शिवलिंग भी बने हैं।